नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमारे एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 16 अगस्त है और मैं पहुंच गया हूं महाराष्ट्र के बीड़ गांव में। बीड़ गांव से पहले एक चढ़ाई पड़ता है, चढ़ाई के अंदर चलते चलते यह हमारा प्रेशर पाइप फट गया। ये मेन प्रेशर पाइप, इसी से गाड़ी रुकता है। तो पीछे थोड़ा दूर दुकान थी पार्ट्स की, वहां तक जाना था। तो जाते हुए तो एक पिकअप वाले ने लिफ्ट दे दी, पिकअप वाला ले गया। आते समय आधा घंटा खड़ा रहा, ट्रक वाले भी रुकवाए, बातचीत भी की, लेकिन नहीं ले गया। दोस्तों आज की दुनिया में किसी के पास इंसानियत नहीं है। एक बाइक वाला रुका बेचारा, वो मेरे को बिठा के और जहाँ तक उसको आना था वहाँ तक तो छोड़ गया, वहाँ से दोस्तों पैदल ही जा रहा हूँ। ये रोड है, इस रोड के ऊपर पैदल पैदल जा रहा हूँ ये सामान लेकर। गाड़ियाँ बीच रोड पर खड़ी है, पूरा प्रेशर एकदम निकल गया और गाड़ी ने ब्रेक पकड़ ली। दोस्तों कोई ड्राइवर भाई देखे तो ड्राइवर को तो पहचान ही जाते होंगे यार, ड्राइवर कोई भी हो, ड्राइवर की मदद किया करो दोस्तों। आज मेरे से कल किसी और भाई से भी हो सकता है। यह है सोलापुर मुंबई हाईवे, इसी पर चल रहा है। दोस्तों चलते चलते थक गया अब तो मैं, कोई भी बिठा के तैयार नहीं है। इधर टेम्पो चलते नहीं है, ऑटो वाले तो फिर भी बिठा लेते हैं, ऑटो भी नहीं चलते, और ट्रक वाले रोकते नहीं है। बाइक वाले आते हैं तो बाइक पे दो दो तीन तीन सवारियां आती है। कहने का मतलब है किसी ने लिफ्ट देने की हिम्मत नहीं दिखाई। एक बंदा था, वो मैकेनिक था, वो ड्राइवर को पहचान गया, बोला मैं कबाने का मैकेनिक हूँ, मैं देखते ही पहचान गया। तो जहाँ तक उसको आना था वहाँ तक तो वो छोड़ गया। बाकी चलते चलते 4 किलोमीटर हो गए, बहुत देर होगी मेरे को चलते हुए। आप दिखाई दिए थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ, वो खड़ी, अभी 10-5 मिनट में पहुंच जाऊंगा गाड़ी के पास। दोस्तों बारिश की तो इस साल करीब करीब सभी जगह कमी है, इधर भी सख्त बारिश की सख्त जरूरत है। अच्छी फसलें हो रही है, सोयाबीन है सामने, बहुत मस्त सोयाबीन हो रहा है, लेकिन अभी बारिश की इधर भी कमी है। लगता है 15-20 दिन से बारिश नहीं हुआ, इधर भी बारिश बहुत ही कम हो रहा है। वैसे बारिश का मौसम तो होता है लेकिन हल्की बूंदाबांदी करके फिर दौड़ जाती है। यह बड़ी लाइन है दोस्तों, ये खड़ी है अपनी गाड़ियां मेन रोड के बगल में ही। ये लाइन ये जॉइंट ले गया हूँ दोस्तों, पहुंच गए फाइनली गाड़ी के पास। लगाता हूँ हमारा सॉकेट, ज्यादा बड़ा काम तो नहीं था लेकिन इसी ने गाड़ी रोकती। ये पाइप था, ब्रेक मेन पाइप है। ठीक है
ਕਰਨਾ ਪਾਵਾ ਜੀ ਦਿਆਲ ਬਾਟੀ ਜਦ ਬਾਟੀ ਦਿਆਲ ਗਈ ਜੇ ਰਸੋਈ ਲਾਡੂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰੋ ਜਦ ਦਿਆਲ ਬਾਟੀ ਚ ਅਗਲੀ ਬਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਲਾਡੂ स्टार्ट हो गया है महाराष्ट्र के भीड़ घाट चढ़ाई बहुत खतरनाक है। हमारा गाड़ी बहुत ही स्लो चढ़ रहा है, टेम्परेचर भी 100